थैंक यू थैंक यू। मैं इसमें खलीलाबाद में हूँ, खलीलाबाद में वहाँ से थोड़ी दूर पर हरिहरपुर एक जगह है जहाँ शूटिंग हो रही है जनता की अदालत, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो संजय श्रीवास्तव हैं। इसमें लड़का जो हीरो है नया लॉन्च हुआ है शशांक, इसको मुन्ना तूफानी भी लोग बोलते हैं, तो एक अच्छी कॉमेडी लव स्टोरी है, अच्छी फिल्म है। एक जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, कोई ना कोई स्टार होता है, नया होता है, फिर स्टार बनता है, तो ऐसे में शशांक मुन्ना के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, अच्छा फ्यूचर है, बड़ा काम कर सकता है। प्रोड्यूसर जो है नए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है कि अच्छी साफ सुथरी फिल्मों को बनाना, तो ये मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का आना जरूरी है फिल्म लाइन में। डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी, क्या संजय श्रीवास्तव तो हमारे साथ थिएटर भी किया है, वो बहुत अच्छा राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर भी बहुत अच्छा है, समझ है उसको, मेहनती है, तो उसके साथ तो काम करने का अलग मज़ा है। किरदार क्या है जैसे कि आपका काफ़ी लुक? कॉमेडी है, मेरा किरदार कॉमेडी है, जो कोऑर्डिनेटर है, फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर है, लोगों को ठगता है और ह्यूमर क्रिएट करता है, मतलब इसकी हरकतें जो हैं कॉमेडी वाली हैं, मज़ेदार किरदार है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं फिल्मों में जो चीज़ उसका कि कटाक्ष या व्यंग? हाँ समथिंग वही समझ लीजिए, लेकिन यह है कि यहाँ सटायर नहीं है, बस ये है कि वो एक करेक्टर उठाया है जो एंटरटेन करने के लिए। तो फिल्म से कुछ मैसेज भी मिलने वाला है दर्शकों? फिल्म से क्या, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और कौन कौन फिल्में आप लेके आने वाले हैं? अभी है हमारी मजधार आएगी, बड़का भैया आएगा, और बहुत सारी फिल्में हैं, कलयुगी ब्रह्मचारी एक फिल्म है कल्लू के साथ, इसके अलावा करीब 22-23 फिल्में हैं, नाम ही नहीं याद है हमको, इतनी फिल्में 22-23 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आप होम प्रोडक्शन फिल्में भी बनाना शुरू कर दी? हाँ, अभी मजधार और बड़का भैया बनी है, अभी एक और बनाने जा रहे हैं राशन कार्ड। तो वजह क्या थी कि होम प्रोडक्शन फिल्मों के तरफ? भाई सब कमा रहे हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, सब कहते हैं कि एक बार प्रोड्यूसर बनो तो पता चलेगा, तो मैं प्रोड्यूसर भी बन के देख रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जवाब नहीं है? नहीं जवाब नहीं, लोग बोलते हैं कि हर एक्टर को एक बार प्रोड्यूसर बनना चाहिए, तो हम भी बन के देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है हमको। और कहीं ना कहीं बेबाक बयान आपसे जो होते, बेबाक बातें होती है, इसके लिए आप जाने जाते हैं? भैया वो कुछ नहीं, मेरे नेचर है, मैं जो सही लगता है बोलता हूँ, जिसको बुरा लगे लगे, जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको काम करना है करे, जिसको निकाल देना है निकाल दे, जिसको काम करना है मत करे। तो मैं, मेरी ज़्यादा ना आवश्यकताएँ हैं ना ज़्यादा मेरा खर्चा है, तो मैं जैसे जीता आया हूँ ऐसे ही जीऊँगा, मैं आज तक नहीं बदला तो अभी बदलूँगा नहीं, जिसको खुश रहे वो रहे, जिसको नहीं रहना ना रहे। कहा जा रहा है जैसे कि सरकार वापस से रिपीट हुई है, बाबा का बुलडोजर की चर्चा है, और बाबा के बुलडोजर की नगरी में कहीं कहीं फिल्मों की शूटिंग अनवरता चल रही है यूपी में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, और चलते रहना चाहिए, और योगी सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, बाबा की सरकार बहुत सरकार सपोर्ट कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है जी। भोजपुरी फिल्मों में जो बदलाव हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे? बदलाव शुरू हो गया, होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है, होगा और होगा। कुछ लोग अश्लीलता फुहड़ता पे उंगली उठाते थे, जिसका जवाब कहीं कहीं अब सिनेमा से? हाँ हाँ बिल्कुल मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। अभी हाल ही में प्रोड्यूसर चुनाव हुआ, एमपी इलेक्शन, एक तरफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, एक तरफ मैं अभय सिन्हा जी की सपोर्ट में था और अभय सिन्हा जी जीते, मेरा एक वोट था मेरे भाई का, वो भी अभय सिन्हा जी को मिला, बस मैं जाता हूँ कि मैं जिसको जाता था वो जीता विक्ट्री। तो इस बार जो बॉलीवुड बनाम भोजपुरी का झंडा फहराया है और सारे प्राइम मेंबर 16 के 16 भोजपुरी के, यस भोजपुरी जिंदाबाद, और भोजपुरी बहुत, अभी भोजपुरी देखिए कैसे कितना झंडा गाड़ती है, बॉलीवुड के ऊपर जाएगी अपनी भोजपुरी जी। और अब बात करें बतासा एंटरटेनमेंट, जिसके माध्यम से आप अपनी बातें रखते हैं, उस प्लेटफॉर्म बारे में? बस एक प्लेटफॉर्म है, अपना जो गुबार होता है, जो अपनी बातें होती हैं उस प्लेटफॉर्म के जरिए निकालता हूँ, दर्शक उसे प्यार दे रहे हैं, बस यही। आपका एक जो है ना बड़ा चर्चा रहा, जो कि आपने कहा रहे बबली और ससुर में राहुल नैहरे में, उसके बारे में कहना चाहेंगे? हाँ वो उतरायमा मनोह बोल गई नहीं, और वो कलाकार होकर राजनीति की बात करती तो ठीक था, हम लोग जब राजनीति की बात करते थे तो बोलते आप कलाकार हैं राजनीति की बात मत करो, तुम या तो बोलो तुम कलाकार नहीं हो, तो तुम कलाकार होकर अगर बोलोगी तो विचारधारा हमारी भी है ना, हम भी हाथ होते हैं, हम भी बोलेंगे, पर यह है कि अब नॉर्मल हो गया सब।
बस बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, आप लोग मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए, इस लड़के को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू, लव यू।